हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप साहब। तो आज हम लोग जानने वाले हैं बेल का शरबत घर पे कैसे बना सकते हो। देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है शरबत और ये बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हम लोग आज बनाने वाले हैं बेल का शरबत। तो सबसे पहले बेल का शरबत बनाने के लिए हमने दो छोटे छोटे बेल ले लिए हैं। ये हमने अच्छे से पका हुआ बेल है, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो ले लिया है बेल। अब इसको हम लोग सबसे पहले फोड़ेंगे। तो आपको इसको ट्राई करना है, आप एक बार पटके उसी में फूट जाए, वरना अगर ज़्यादा बार पटकेंगे तो ये अंदर से तीता होने लगता है, इसलिए हमको अच्छे से इसको फोड़ देना है एक ही बार में। तो देख सकते हैं हमने दोनों बेल को एक ही बार में ट्राई किया है फूट जाने का। तो अब इसके अंदर जो भी हमारा जो मटेरियल है उसको हम लोग एक निकालेंगे अलग कटोरी में। तो सबसे पहले हम लोग बेल ले लेते हैं और उसके अंदर जो चम्मच से जितना भी है वो हम लोग निकाल के जमा कर लेंगे। तो आपको इसको एकदम अच्छे से जितना भी है उसके अंदर अच्छे से निकाल देना है, वरना अगर उसके अंदर बच जाएगा तो वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से अच्छे से निकाल देना है उसमें से। तो हम लोग जितने भी उसके अंदर जो मटेरियल है सब निकाल के जमा कर लेते हैं। देख सकते हैं हमने जितने एक बेल का पूरा अच्छे से निकाल लिया है, दूसरा बेल को हम लोग निकाल रहे हैं। तो आपको जितना भी इसमें प्रोसेस है, जितना भी आपको टाइम लगने वाला है, बस इस बेल को फोड़ के इसके अंदर से जो मटेरियल है वही निकालने में लगने वाला है। बाकी बेल का शरबत बनाने में बहुत जल्दी बना लोगे आप, 5 मिनट के अंदर इसको बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो हम लोग जितने भी इसके अंदर से बेल का जितने भी निकाल लिया है हमने, अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे 3 ग्लास एकदम ठंडा पानी। हमने यहाँ पे फ्रिज का चिल्ड वाटर यूज़ किया है। अगर आपके पास अगर चिल वाटर नहीं हो तो आप इसके अंदर आइस क्यूब डाल सकते हैं ठंडा करने के लिए। तो अभी हमने इसमें थोड़ा सा ही पानी डाला है। तो अब इसके बाद हम एक ले लेते हैं मिक्सी का जार, उसके अंदर जितना भी है सब है इसको डाल देंगे हम लोग। अब इसके अंदर डाल देते हैं हम लोग 50 ग्राम चीनी। चीनी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी चीनी डाल सकते हैं। अब हम इसको एक बंद कर लेते हैं, अब इसको हम लोग मिक्सी में चला देंगे। तो इसमें जो बीज होता है, अगर आप सोच रहे होंगे बीज से कुछ प्रॉब्लम हो, तो ऐसा नहीं है। जितना भी बीज है वो सब, अगर जो उसमें पीसना होता है वो पीस जाएगा, अगर वो जो बचना होगा वो बच जाएगा, उसको हम लोग अलग से छान के निकालेंगे। तो देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्सी में चला दिया है। तो अब हम लोग एक छन्ना ले लेंगे और छन्ना के अंदर जितना भी है हम इसके अंदर छान लेंगे इसको। तो आपको इसको धीरे धीरे चम्मच से छान लेना है। तो आपको अगर इसमें छानने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं पहले ही मिक्सी में, और उससे करके आप पूरा अच्छे से छान सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसको दबा दबा के अच्छे से छान लिया है। वैसे ही जितना भी है हमारा उसके अंदर बैटर, सबको जितना भी इसके अंदर से जो बीज वाला पार्ट है उसको हम लोग अलग कर देंगे। देख सकते हैं जितना भी उसके अंदर से हमने जो बीज वाला पार्ट था, जो पेस्ट था, जो पीने लायक नहीं था, उसको हटा दिया है। अब देख सकते हैं हमने यहाँ पे ग्लास में इसको डाल दिया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। तो हमारा यहाँ पे बेल का शरबत रेडी हो चुका है। हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमें रोज़ सुबह एक ग्लास बेल का शरबत पीना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे चैनल पर जाके और भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपीज़ बता रखी है हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।